दी चैनल, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं एक ऐसी जूस लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही फास्ट वेट लॉस देता है और साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना टूटना सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आपके स्किन पे काफ़ी ग्लो लाएगा, आयरन की कमी को पूरा करेगा, आपकी वीकनेस को दूर करेगा, सारी चीज़ों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं एक जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सुपर फास्ट वेट लॉस देगा और कभी भी आपको वो लो फील नहीं होने देगा। और आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले रेसिपी पे चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनती है और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मेरे किचन में और मैं ये दिखाती हूँ कि ये जूस कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स इस जूस की रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। और इस जूस को बनाने के लिए मैंने लिया है एक एप्पल, एक बीटरूट और दो लिया है मैंने कैरेट। और बीटरूट को मैंने छील लिया हुआ है, कैरेट को भी मैंने पील कर लिया हुआ है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स सिंपली इस जूस का हम नाम बोले तो ABC जूस, यानी कि ए से एप्पल, बी से बीटरूट, सी से कैरेट, तो इसका नाम है ABC जूस। और ये सुपर डुपर फैट लॉस में और एक मैजिकल ड्रिंक का काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ आयरन की कमी को पूरा करेगा, आपके बालों का झड़ना टूटना, फेस की झुर्रियाँ, स्किन में अगर आपके बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई, इन सारी चीज़ों को दूर करेगा। इतना ज़्यादा सुपर अमेजिंग ये जूस है। सो इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मिक्सी में इसे ले लेना है। जिनके पास जूसर मशीन नहीं है वो भी इस जूस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने मिक्सी में बना के दिखाया है इस जूस को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दूंगी। और आप इस जूस को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें हाफ लेमन ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसमें लेमन ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और भी बढ़ के आ जाता है, यानी कि एप्पल और होती है मीठी, तो इसमें अगर आप खट्टी जूस जब मिलाते हैं ना तो इसकी खट्टी मीठी फ्लेवर आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप पीते हो जूस को तो इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लो, सुपर इतना अमेजिंग इसका टेस्ट आता है कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, पानी की क्वांटिटी एकदम थोड़ी सी रखेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल जूस ना आपका पानी ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और उसके बाद हम सिंपली इसे ग्राइंड कर लेंगे। और आपको इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, दरदरा नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब 5 मिनट 2 मिनट तो एकदम आराम से इसको ग्राइंड कीजिएगा, इसका बिल्कुल स्मूथ ही बन जाना चाहिए। और फ्रेंड्स डायरेक्टली इसे निकाल के नहीं पीना है, तो देखो मैं क्या करूँगी। और आप देख सकते हो कि इसका मैंने बिल्कुल अच्छा सा स्मूदी तैयार कर लिया है और इसमें से पता है 1 गिलास जूस आराम से निकलेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके से जूस बनाते हैं और डायरेक्टली पीने की कोशिश करते हैं और वो पी नहीं पाते हैं क्योंकि इनका जूस उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, ये चीज़ तो हैवी हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स मैंने लिया एक बाउल और इस बाउल में लेंगे हम जूस। और अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटन के कपड़े में भी यूज़ कर सकते हो, साफ़ होना चाहिए। तो मैंने एक बड़ी छन्नी ले ली है और इसमें जितने भी मैंने पेस्ट निकाले हैं ना इसको हम ऐड कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आप ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने के बाद, जब भी आपको समय मिले आप इस जूस का सेवन डेली 1 महीने करके देखिए। आपकी शरीर की बहुत सारी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ये इतना सुपर रिजल्ट देने वाला जूस है, ये मेरा आजमाया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको तो अच्छे से दिख रहा है कि 3 हेल्दी चीज़ों से मिलकर ये जूस हमारा तैयार हो रहा है, तो ये कितना अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। तो अगर आप अपनी शरीर की बीमारियों से, परेशानियों से परेशान हैं तो आप इस जूस का सेवन करना स्टार्ट कर दे आज से, और कम से कम आप 15 से 20 दिन पीकर देखिए। इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आएगा कि आप इसको रोज़ पीना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात इसके लिए ये है कि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स महंगी नहीं है, बहुत ही आपके बजट में मिलने वाली चीज़ें हैं। हाँ एप्पल महंगी है तो क्या हुआ, कभी कभी तो खा सकते हैं, बीटरूट और कैरेट से भी इस जूस को आप सिर्फ बना सकते हो। तो बड़ी वाली छन्नी की मदद से इसके जितने भी रस है ना मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा क्वांटिटी में ये जूस निकल गया है और इसकी जितनी भी रफ़ क्वांटिटी है उसको मैंने निकाल दिया है। और जो बची हुई रफ़ की क्वांटिटी है उसको आप फेंकना मत, आटे में गूँ लेना और उसकी रोटियाँ बना लेना और उसको वेट लॉस रोटी की तरह खा लेना, कोई भी चीज़ों को वेस्ट मत करना। और ये जूस बन के मेरा बिल्कुल अच्छे से तैयार है और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दी हूँ और इसके बाद मैं इसे सर्व करती हूँ। और आप इसका सेवन डेली कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपका ये जूस कितना अच्छा रिजल्ट दिया और इतनी क्वांटिटी आपके लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जूस की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी।
और इसको मैंने थोड़ा सा लेमन से डेकोरेट कर दिया। कोई भी चीज़ें जब देखने में अच्छी लगती है तो खाने का भी मन करता है, सो मैंने थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दिया। आप इस तरह से डेकोरेट कीजिए तो आपको भी मन करेगा। फाइनली मेरा जूस बनके तैयार है और इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छी वीडियो के साथ। इस जूस को बनाना बहुत ही आसान है और इस जूस का सेवन आप रोजाना करें, एज ए ब्रेकफास्ट करें या खाना खाने के बाद करें, जिस प्रकार मन करे उस तरह से करिए। और ये जूस बहुत ही सुपर 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 डुपर आपके हेयर फॉल कंट्रोल के लिए तो सबसे बेस्ट है और स्किन के लिए सबसे अमेजिंग है। ये मेडिकल जूस है तो आप इस जूस का रोजाना सेवन करिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी वीडियो ना देखा कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जूस कैसी लगी। तो चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।